बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। सबसे पहले बात भिंड की। जीतू पटवारी पर एक और एफआईआर हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर तीसरी एफआईआर। बीएसपी प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने शिकायत की है, चुनाव आयोग से शिकायत की। आचार संहिता उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज। रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर एफआईआर। पूर्व मंत्री इमरती देवी पर विवादित बयान पर एफआईआर। तो ये तीन एफआईआर पांच दिनों के भीतर, ये तीन एफआईआर जीतू पटवारी पर होंगे। और कहीं ना कहीं अब जो है मुश्किलें जीतू पटवारी की बढ़ सकती हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, प्रदेश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है आला कमान के द्वारा। और जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी उनके द्वारा की जा रही है लगातार, उस पर तीन एफआईआर अब हो चुकी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि एफआईआर तो हुई है और आगे किस तरह का एक्शन और भी लिया जाता है और तरह की कार्रवाई भी की जाती है। अभी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि तीन एफआईआर पांच दिनों के भीतर। चुनाव चल रहे हैं, दो चरण के चुनाव अब तक हुए हैं, दो चरण बाकी हैं। उससे पहले ऐसी तस्वीर कहीं ना कहीं जो छवि है वो कांग्रेस की धूमिल होती हुई भी इससे नजर आएगी, जिस तरह से जीतू पटवारी बयानबाजी कर रहे हैं। चुनावी प्रचार में अमित शाह ने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा चुनाव लड़ने के लिए यहां से वहां भाग रहे। राहुल पर निशाना साधते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या आज हालत हुई राहुल? पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखिम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। मोदी जी ने तो एक ही बार चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसको लैंड भी कर दिया। ये राहुल नाम का यान जो है, सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया मगर लैंड करने का नाम नहीं देता है भाई। अबे 21वां ट्रायल है, देखो क्या होता है। मुझे मालूम है 21वां ट्रायल भी क्रैश कर जाने वाला है, लैंड नहीं कर पाए। मैं देश भर में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह जाता हूं, हर जगह से इसी प्रकार से मोदी 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 की आवाज कानों में गूंजती आ रही है। देश की जनता तय कर बैठी है कि 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को बहुमत। पाकिस्तान के राहुल प्रेम पर पीएम मोदी ने वार किया है। कांग्रेस के शहजादे के लिए पाकिस्तान दुआ करता है। पाकिस्तानी नेता शहजादे की जीत की दुआ करते हैं। पहले कांग्रेस पाकिस्तान को लव लेटर लिखती थी, आज का भारत घर में घुसकर मारता। बड़ी बात है पीएम के द्वारा कही गई। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। ये दृश्य दिखाता है पूरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार, मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। आज नया भारत डोजियर नहीं देता,
ये नया भारत है गर्म में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। चरमरी की बात करते हैं। यहां पर सीएम साय ने कांग्रेस पर वार किया, कांग्रेस नेताओं के दौरे से बीजेपी को लाभ होगा, ये बड़ी बात साय के द्वारा कही गई। प्रियंका, राहुल गांधी के दौरे से हमें फायदा होगा, राहुल कहीं से लड़े हमें 400 पार करना है। कांग्रेस पूरे देश में खो चुकी है अपना विश्वास, कांग्रेस के वादे पर जनता भरोसा नहीं करेगी, ये बड़ी बातें कही गई हैं साय के द्वारा। दौरे से तो और हम लोग को फायदा होता है, ये पुराना अनुभव है। जहाँ जहाँ लोग चले जाएं वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अच्छा फायदा होता है। प्रियंका गांधी कहीं चुनाव मैदान में नहीं है, प्रियंका गांधी कहीं चुनाव मैदान में नहीं है। अभी उनका पर्सनल मामला है, उनकी पार्टी के मामला में हम क्या बोलेंगे। राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अब लड़े नहीं लड़े हमको तो अपना देखना है, हमको तो 400 पार हम लोग को मतलब एनडीए का करना है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मुंगेली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद रहे, रिटायर्ड अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए। अरुण साव ने बीजेपी की सदस्यता इन्हें दिलवाई है, बड़ी संख्या में जो है लगातार कांग्रेसी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसी बीच कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए और अरुण साव ने इन्हें सदस्यता दिलाई। लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन आशीर्वाद मांगेंगे और हमारे प्रत्याशी तोखम साहू को जिताने की अपील करेंगे और इस तरह से तेज गति से हमारा चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है, आज पूरा देश और प्रदेश में सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश और देश के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं, सभी का स्वागत। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कोरबा और मुंगेली की ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस के जवान शहर की सड़कों पर निकले हैं और फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोरबा और मुंगेली की ये तस्वीरें, तीसरे चरण का चुनाव होना है, मतदान होना है और मतदान के लिए पूरी तरह से प्रशासन सक्रिय है। बिलासपुर पहुंचे मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में छत्तीसगढ़ को रिकॉर्ड धनराशि दी। उन्होंने यूपीए सरकार और मोदी सरकार के 10 सालों की तुलना करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने 10 साल में छत्तीसगढ़ को 1,00,000 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि मोदी सरकार ने 10 साल में छत्तीसगढ़ को 4,00,000 करोड़ रुपए दिए। टंकराम वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी बताया था, उसे छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार ने 100 दिन से भी कम समय में पूरा किया। यूपीए सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ को 1,00,000 करोड़ दिए थे, वहीं 10 साल में मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को 4,00,000 करोड़ दिए हैं, यानी यूपीए सरकार के तुलना में 4 गुना अधिक राशि छत्तीसगढ़ को दिए हैं। जबलपुर में कबाड़ खाने में हुए ब्लास्ट के मामले में फरार मालिक शमीम कबाड़ी पर इनाम की राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। इनामी राशि पहले 15,000 थी और जो अब बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। आपको बता दें कि कबाड़ खाने में ब्लास्ट के बाद से ही शमीम कबाड़ी फरार है। 25 अप्रैल को रजा मेटल इंडस्ट्री में बम ब्लास्ट हुआ था, हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो चुकी थी और उसके बाद से ही ये फरार चल रहा था।
काल में हुई घटना में अभी तक जो लाइव बॉम्ब्स थे उसको एनएसजी की टीम के साथ और हमारी बीडीडीएस की टीम ने उसको लग के सभी जो शेल्स थे उनको नष्ट कर दिया है। अब हमारी टीम जो प्रमाइसिस की सर्चिंग और आगे की कार्रवाई करेगी और जो फरार आरोपी है उन पर 25,000 का इनाम डिक्लेयर किया गया है। और खरगोन जिले के कसरावद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान ही करीब 10 लाख रुपए की 440 लीटर अवैध शराब और 9,400 किलोग्राम महुआ लहान जब्त करके नष्ट किया गया। खरगोन के लिम्बाड़ी, बागदरा, रेटवा, दसनावल गांव से 330 लीटर हाथ भट्टी शराब और 8100 किलोग्राम महुआ लहान जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं एक और इलाके से 110 लीटर हाथ भट्टी शराब और 1300 किलोग्राम महुआ लहान जब्त करके नष्ट किया।